हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यायाधीश। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड 1966। इस कोड का हम सेक्शन 50 से लेके सेक्शन 54 देखेंगे। ये सेक्शन 50 से लेके सेक्शन 54 बात करता है एनक्रोचमेंट ऑन लैंड। तो वीडियो शुरू करने से पहले तो गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल न्यायाधीश। सेक्शन 50 बात करता है रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट ऑन लैंड वेस्टिंग इन गवर्नमेंट, प्रोविजन फॉर पेनल्टी एंड अदर इंसिडेंट मैटर। सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 बात करता है जिस पर्सन ने स्टेट गवर्नमेंट का लैंड एनक्रोच किया है, या फिर जिस पर्सन ने वो लैंड हॉकिंग के लिए यूज़ किया है, या फिर कोई चीज़ें सेलिंग के लिए यूज़ किया है वो लैंड विदाउट लोकल अथॉरिटी के परमिशन के, देन कलेक्टर के पास अथॉरिटी है उस एनक्रोचमेंट को, उस हॉकिंग और या फिर उस जो भी आर्टिकल वहाँ सेल हो रहा है उसको वहाँ से रिमूव करें। और जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं वो रिमूवल के लिए, वो सारे एक्सपेंसेस जिस पर्सन ने लैंड एक्रोच किया है उस पर्सन ने पे करना चाहिए। अब देखते हैं सेक्शन 50 सबसेक्शन 2। ये बात करता है पेमेंट ऑफ असेसमेंट एंड फाइन। जिस बंदे ने लैंड एनक्रोच किया है या फिर अनऑथराइज यूज़ किया है स्टेट गवर्नमेंट का लैंड, तो उसको असेसमेंट पे करना पड़ेगा। अगर वो लैंड एनक्रोच जो भी किया है उस लैंड का सर्वे नंबर है तो उस बंदे को वो पूरे पीरियड के लिए, पूरे होल पीरियड ऑफ एनक्रोचमेंट और पूरे एंटायर सर्वे नंबर के लिए असेसमेंट पे करना पड़ेगा। और अगर वो लैंड का सर्वे नंबर नहीं है तो सिर्फ स्पेसिफिक पीरियड के लिए और जितना लैंड यूज़ किया है, जितने पीरियड के लिए लैंड यूज़ किया है उतना ही उसको असेसमेंट पे करना पड़ेगा। असेसमेंट के अलावा उसको फाइन भी, एडिशनल फाइन भी पे करना पड़ेगा अगर वो लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया है या फिर नॉन एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया है या फिर हॉकिंग के लिए या फिर सेलिंग ऑफ एनी आर्टिकल के लिए यूज़ किया है, उस हिसाब से वो फाइन होगा। और वो फाइन कलेक्टर डिटरमाइन करेगा, वो कलेक्टर डिसाइड करेगा कितना फाइन लगेगा। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 बात करता है नोटिस के बारे में। कलेक्टर ने रिटर्न नोटिस देना चाहिए जिस पर्सन ने लैंड एनक्रोच किया है, उस पर्सन को नोटिस देना चाहिए और उस नोटिस में एक रिजनेबल टाइम और डेट देना चाहिए ताकि वो एनक्रोचमेंट वहाँ से रिमूव करें। सेक्शन 50 सबसेक्शन 4 बात करता है एडिशनल फाइन। अगर वो लैंड एनक्रोच किया है, वो बंदे ने नोटिस देने के बाद भी, वो रिजनेबल टाइम ख़त्म होने के बाद भी रिमूव नहीं किया है, तो कलेक्टर वहाँ उस एनक्रोचमेंट को वहाँ से निकालेंगे और प्लस एडिशनल पेनल्टी भी उसको पे करना पड़ेगा। इसका मतलब सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 में जो भी असेसमेंट भी पे करना है, पेनल्टी भी पे करना है। अगर वो नोटिस फॉलो नहीं कर रहा है तो एज पर सेक्शन 50 सबसेक्शन 4 को एडिशनल और फाइन पे करना पड़ेगा। और वो डिसाइड कौन करेगा? नन अदर, कलेक्टर। सेक्शन 50 सबसेक्शन 5 बात करता है अपील एंड रिविजन। जो भी ऑर्डर कलेक्टर पास करता है उस ऑर्डर को वो भी बंदा अपील कर सकता है हायर अथॉरिटी के लिए। हायर अथॉरिटी में वो अपील कर सकता है और हायर अथॉरिटी चाहिए तो वो ऑर्डर, कलेक्टर का ऑर्डर रिवाइज भी कर सकता है। अब देखते हैं सेक्शन 50 सबसेक्शन 6। ये सेक्शन बात करता है फाइनल ऑर्डर आने के बाद, फाइनल ऑर्डर आने के बाद उसके 6 महीने के अंदर, छह महीने के अंदर चाहे तो पर्सन सिविल कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। अब देखते हैं सेक्शन 51। सेक्शन 51 बात करता है रेगुलाइजेशन ऑफ एंक्रोचमेंट। ये सेक्शन बात करता है कि कलेक्टर चाहे तो एंक्रोचर को लैंड जो भी एंक्रोच किया है उसने वो ग्रांट कर सकेगा, पर उसके लिए इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि वो एंक्रोचर को फाइन पे करना पड़ेगा और असेसमेंट भी पे करना पड़ेगा। फाइन पे करते वक्त मैक्सिमम उसका फाइन होगा 5 times ऑफ वैल्यू ऑफ लैंड या फिर जो भी प्रिस्क्राइब किया जाता है उसमें से जो भी हायर है वो उसको पे करना पड़ेगा। और असेसमेंट का पेमेंट 5 times ऑफ ऑर्डिनरी एनुअल लैंड रेवेन्यू होगा या फिर जो भी प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसमें से जो भी हायर होगा वो उसको पे करना पड़ेगा। जैसे वो ये दोनों पेमेंट पे करता है तब कलेक्टर वो लैंड की सारी डिटेल्स और रिकॉर्ड्स वो रजिस्टर में रिकॉर्ड होगी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कलेक्टर ग्रांट करने से पहले, लैंड ग्रांट करने से पहले पब्लिक नोटिस देना
देना पड़ेगा, ताकि जिस किसी को ऑब्जेक्शन हो या सजेशन देना हो वो कलेक्टर को अप्रोच करे। और जो भी एक्सपेंसेस लगता है रिगार्डिंग पब्लिक नोटिस देने का, वो सारा एक्सपेंसेस एनक्रोचर को ही पे करना पड़ेगा। अगर एनक्रोचर विद इन रिजनेबल टाइम पे नहीं करता है तो उससे वो रिकवर किया जाएगा एज अ आरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब देखते हैं सेक्शन 51 रिलेटेड रूल्स। ये रूल महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट लैंड रूल्स 1971 पार्ट 5 में है। इसमें दो इम्पॉर्टेंट रूल्स है, रूल 43 और रूल 46। रूल 43 बात करता है जो भी लैंड एंक्रोच किया गया है अदर देन सिटी ऑफ बॉम्बे, जो क्या कंडीशन फुलफिल करनी होगी तभी वो लैंड ग्रांट होगा। और रूल नंबर 46 बात करता है जो भी लैंड एंक्रोच किया है इन द सिटी ऑफ बॉम्बे, तो वो कौन सी कंडीशन फुलफिल होने के बाद वो लैंड ग्रांट होगी। तो आइए हम देखते हैं रूल नंबर 43। रूल नंबर 43 बात करता है ग्रांट ऑफ लैंड एंक्रोच अपॉन। ठीक है, तो कलेक्टर को पहले ग्रांट करने से पहले कमिश्नर का सेंक्शन और स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर लेने के बाद ही लैंड ग्रांट कर सकता है। और वो दो ही बेसिस पे लैंड ग्रांट कर सकते हैं, एक तो ऑक्यूपेंसी राइट के अंदर या फिर दूसरा लीज होल्ड राइट के अंदर ग्रांट कर सकते हैं। हमेशा याद रखना कि जो भी अगर स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या लोकल अथॉरिटी हो, वो कभी भी अपना लैंड ओनरशिप पे ग्रांट नहीं करता। आइदर वो ऑक्यूपेंसी राइट के अंदर ग्रांट करता है या फिर लीज होल्ड राइट पर ही ग्रांट करता है। तो पॉइंट नंबर ए बात करता है ग्रांट एंक्रोच लैंड्स इन ऑक्यूपेंसी राइट। अगर ऑक्यूपेंसी राइट पे अगर लैंड ग्रांट करनी है तो कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, तो ये देखते हैं। तो 5-6 कंडीशंस है। पहले कंडीशन ये है कि एंक्रोचर को पहले फाइन और असेसमेंट पे करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 50 सबसेक्शन 2। सेकेंड पॉइंट कंडीशन ये है कि एंक्रोचर को पीनल ऑक्यूपेंसी प्राइस पे करना पड़ेगा जो भी कलेक्टर डिसाइड करता है। अगर बंदा बैकवर्ड क्लास कैटेगरी का नहीं है तो उसको पीनल ऑक्यूपेंसी प्राइस मिनिमम 2.5 times द ऑर्डिनरी ऑक्यूपेंसी प्राइस या फिर मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 5 times द वैल्यू ऑफ लैंड, ये रेंज में कलेक्टर डिसाइड करेगा, उसको वो पीनल ऑक्यूपेंसी प्राइस पे करना पड़ेगा। या फिर अगर बंदा अगर एंक्रोचर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी का है तो उसको ऑक्यूपेंसी प्राइस इक्वल टू ऑर्डिनरी ऑक्यूपेंसी मिनिमम पे करना पड़ेगा या फिर मैक्स टू मैक्स 5 times द वैल्यू ऑफ लैंड, इस रेंज में कलेक्टर डिसाइड करेगा और उसको बैकवर्ड क्लास कैटेगरी को उतना पे करना पड़ेगा। थर्ड कंडीशन है कि एंक्रोचर को पीनल असेसमेंट भी पे करना पड़ेगा। ये भी पीनल असेसमेंट अगर एंक्रोचर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी का नहीं है तो उसको मिनिमम 2.5 times द असेसमेंट या फिर मैक्स टू मैक्स 5 times द ऑर्डिनरी एनुअल लैंड रेवेन्यू, ये रेंज में जो भी कलेक्टर डिसाइड करता है वो उसको पे करना पड़ेगा। और अगर एंक्रोचर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी का है तो उसको मिनिमम पीनल असेसमेंट इक्वल टू द असेसमेंट या फिर मैक्सिमम 5 times द ऑर्डिनरी एनुअल लैंड रेवेन्यू, इस रेंज में जो भी कलेक्टर डिसाइड करता है वो उतना उसको पे करना पड़ेगा। इस पॉइंट का और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कलेक्टर चाहे तो ये जो सेकेंड और थर्ड पॉइंट में जो भी मिनिमम जो रेंज है वो चाहे तो कलेक्टर और रिड्यूस कर सकता है रेट, अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल उसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होता है तब एंक्रोचर का मिनिमम जो भी पीनल असेसमेंट हो या ऑक्यूपेंसी का जो भी पीनल ऑक्यूपेंसी प्राइस हो वो रिड्यूस कर सकता है। वो तभी रिड्यूस कर सकता है कलेक्टर जब कलेक्टर को लगता है कि ये जो एंक्रोचर ने एंक्रोच किया हुआ है जो गवर्नमेंट का लैंड, वो जानबूझ के नहीं किया, वो डेलिब्रेटली नहीं किया है, तो वो जो पीनल असेसमेंट प्राइस है और ऑक्यूपेंसी पीनल प्राइस है वो मिनिमम से भी लोअर रेट लगा सकता है। या फिर कलेक्टर को लगा कि ये जो भी पीनल ऑक्यूपेंसी प्राइस है और पैनल असेसमेंट प्राइस है ये जो होल्डर है वो उतना भी उसका उतना भी कैपेसिटी नहीं है पे करने का, तो वो मिनिमम प्राइस मिनिमम जो लेवल है वो भी लोअर कर सकता है रेट। या फिर कलेक्टर को लगा कि और कोई फैक्ट्स है केस रिलेटेड, तभी भी कलेक्टर वो जो मिनिमम लेवल है वो लोअर कर सकता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि एंक्रोचर्स को अगर एंक्रोचर का असेसमेंट जो भी असेसमेंट प्राइस है जो एज पर कंडीशन
3 का जो भी है रिलेटेड टू नॉन एग्रीकल्चर पर्पस, जो 15 इयर्स का गारंटी फिक्स किया गया है, या फिर एग्रीकल्चर पर्पस जो सेटलमेंट पीरियड के लिए फिक्स किया गया है, वो पीरियड ख़त्म होने के बाद वो असेसमेंट रिवाइज हो सकता है. पर जैसे रिवाइज होता है तो कलेक्टर को रिवाइज असेसमेंट या फिर जो पीनल असेसमेंट जो भी फिक्स किया है इस पर कंडीशन 3, उसमें जो भी हायर होगा उसको वो पे करना पड़ेगा. कंडीशन नंबर 5 है कि लैंड अगर एंक्रोचर चाहे लैंड किसी और के लिए यूज़ करना चाहता है तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कलेक्टर की. और पॉइंट नंबर 6 है कि एंक्रोचर को एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और एग्रीमेंट वो फॉर्म नंबर 14 के फॉर्मेट में है. फॉर्म नंबर 14 ऐसा होता है, देखो ये सब एग्रीमेंट के ऐसा फॉर्मेट होता है, ये सब जो भी है वो फिलअप करने के बाद और कलेक्टर का यहाँ सील होगा, यहाँ सिग्नेचर होगा और गारंटी का यहाँ सिग्नेचर होगा. ये ऐसा होता है एग्रीमेंट फॉर्म नंबर 14 में है. अगर वो ऑक्यूपेंसी राइट के अंदर लैंड मिल रहा है तो उस एग्रीमेंट का फॉर्मेट ये होगा. पॉइंट नंबर बी बात करते हैं कंडीशन फॉर ग्रांट फॉर एंक्रोचमेंट लैंड इन लीज होल्ड राइट. पॉइंट नंबर ए हम लोग ने देखा, जब भी लैंड एंक्रोच लैंड ऑक्यूपेंसी में राइट में मिलता है तो वो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, 6 कंडीशन. और अगर लैंड लीज होल्ड राइट पे मिल रहा है तो ये 6 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी. तो फर्स्ट कंडीशन है कि लीज जो है 30 ईयर्स की होगी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब जब से उसने एंक्रोच किया लैंड तब से वो साल शुरू होगा, उसके बाद 30 ईयर्स तक होगा वो लीज. सेकेंड पॉइंट है कि लीजी को रेंट पे करना पड़ेगा मिनिमम 15% और मैक्सिमम 25% ऑफ ऑक्यूपेंसी प्राइस, इतना उसको लीजी को रेंट पे करना पड़ेगा. थर्ड पॉइंट है कि लीजी को फाइन भी पे करना पड़ेगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा एज पर द सेक्शन 50 सबसेक्शन 2. और पॉइंट नंबर 4 है कि लीजी ने अगर कुछ भी ऑल्ट्रेशन किया या अनऑथराइज स्ट्रक्चर करवाया उस लैंड पे तो उस लीजी को वैकेंट करना पड़ेगा वो एंक्रोच लैंड, और उसको विदाउट कॉम्पेंसेशन उसको वो लैंड वैकेंट करना पड़ेगा. पॉइंट नंबर 5 बात करता है अगर लीजी को लैंड अगर किसी और के लिए यूज़ करना है तो उसको पहले कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी. और पॉइंट नंबर 6 बात करते हैं लीजी को एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा एज पर फॉर्म नंबर 15. फॉर्म नंबर 15 ये ऐसा होता है, ये एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का फॉर्मेट है. अगर एग्रीमेंट लीज होल्ड राइट के अंदर लैंड मिल रहा है तो ये फॉर्मेट है एग्रीमेंट का. ओके. रूल 43A, गवर्नमेंट्स पावर टू फ्रेम स्कीम फॉर रेगुलाइजेशन ऑफ एंक्रोचमेंट. ये रूल बात करता है कि कभी भी गवर्नमेंट का लैंड एंक्रोच होता है फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, तभी स्टेट गवर्नमेंट पूरे स्टेट के लिए या फिर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्टेट के लिए एक स्कीम फ्रेम करेगा फॉर रेगुलाइजेशन ऑफ एंक्रोचमेंट. और उस स्कीम में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, उसके बाद रेगुलाइजेशन के टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, एंड कौन सा अथॉरिटी कॉम्पिटेंट होगा वो रेगुलराइजेशन के लिए, ये वगैरह ये सब कंडीशंस उस स्कीम में इंक्लूड होगा. नेक्स्ट है रूल नंबर 46. ये बात करता है रेगुलराइजेशन ऑफ एंक्रोचमेंट इन द सिटी ऑफ बॉम्बे. अगर कोई भी लैंड एंक्रोच किया गया है सिटी ऑफ बॉम्बे में तो कलेक्टर प्रीवियस सेंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लेके वो लैंड एंक्रोच जो भी हुआ है लैंड वो ग्रांट करेगा. पर वो ग्रांट करने से पहले 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. पहला तो कंडीशन है कि एंक्रोचर को असेसमेंट और फाइन पे करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 50 सबसेक्शन 2. दूसरा है एंक्रोचर को पीनल ऑक्यूपेंसी प्राइस पे करना पड़ेगा जो भी कलेक्टर डिसाइड करता है. कलेक्टर डिसाइड करेगा मिनिमम 2.5 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ लैंड और मैक्सिमम 5 टाइम्स ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड, उसके बीच में कलेक्टर डिसाइड कर सकता है पीनल कॉम्पेंसी प्राइस. एंड तीसरा है एंक्रोचर को पीनल असेसमेंट भी पे करना पड़ेगा, और वो भी कलेक्टर डिसाइड करेगा. उसका रेंज है मिनिमम 2.5 टाइम्स ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड मैक्सिमम 5 टाइम्स ऑफ द ऑर्डिनरी एनुअल लैंड रेवेन्यू. इसके बीच में कलेक्टर डिसाइड कर सकता है पीनल असेसमेंट कितना पे करना पड़ेगा एंक्रोचर को. और ये 3 कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही ये जो लैंड के जो भी डिटेल्स है वो भी जो भी रजिस्टर मेंटेन किया गया है एज पर सेक्शन 305 में, उस वो सब डिटेल्स वो रजिस्टर में रिकॉर्ड्स एंटर होंगे.
नेक्स्ट है रूल 49। रूल 49 बात करता है सर्टिफिकेट फॉर ग्रांट ऑफ लैंड। तो ये सर्टिफिकेट तहसीलदार इश्यू कर सकता है, और ये सर्टिफिकेट ये फॉर्म नंबर 18 में है। फॉर्म नंबर 18 ऐसा होता है, ये देखो ऐसा होता है फॉर्म नंबर 18। ये तहसीलदार इश्यू करता है, यहाँ तहसीलदार की सिग्नेचर होती है, यहाँ सील होता है, यहाँ सब डिटेल्स फिल किए जाते हैं। अगर कोई भी लैंड यू नो ग्रांट किया गया है आइदर थ्रू ऑक्यूपेंसी राइट या फिर थ्रू लीज होल्ड राइट, तो तहसीलदार ये सर्टिफिकेट इश्यू करेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 52। सेक्शन 52 बात करता है वैल्यू एंड लैंड रेवेन्यू हाउ कैलकुलेटेड। सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 बात करता है जो भी लैंड एंक्रोच किया गया है उस लैंड का वैल्यू और उस लैंड का रेवेन्यू वो कलेक्टर फिक्स कर लेगा। पर कलेक्टर फिक्स करने से पहले वो देखेगा कि आजू बाजू मतलब नेबरिंग हुड पे जो भी सिमिलर टाइप का अगर लैंड है उस लैंड का जो भी वैल्यू होगा सेम वैल्यू एप्लीकेबल होगा वो एंक्रोच लैंड पे, एंड सिमिलरली उस आजू बाजू के जो भी सेम काइंड ऑफ जो लैंड है उस लैंड का जो भी एनुअल रेवेन्यू होता है वो सेम रेट एप्लीकेबल होगा एंक्रोच लैंड के ऊपर। तो अभी से बात करते हैं सेक्शन 52 सबसेक्शन, ये बात करता है जो भी कलेक्टर डिसीजन लेगा रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ लैंड और रिगार्डिंग लैंड रेवेन्यू वो एक कंक्लूसिव होगा डिसीजन। कंक्लूसिव डिसीजन होगा मतलब वो डिबेटेबल नहीं होगा। और इसमें और एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी लैंड रेवेन्यू एप्लीकेबल होगा वो एंक्रोच लैंड पे, अगर एंक्रोच लैंड सिर्फ थोड़े महीने के लिए अगर यूज किया है तो वो लैंड रेवेन्यू उसके ऊपर पूरे साल का लागू किया जाएगा। सेक्शन 53 बात करता है समरी एविक्शन ऑफ अ पर्सन अनऑथराइजली ऑक्यूपाइंग लैंड वेस्टिंग इन गवर्नमेंट। समरी एविक्शन का मतलब क्या है? एविक्शन का मतलब बेदखल करना। समरी एविक्शन मतलब समरी मतलब इन शॉर्ट प्रोसीजर फॉलो करके वो बंदे को वहाँ से एविक्ट करना, बेदखल करना। तो हम देखेंगे सेक्शन 53 का सबसेक्शन 1, ये बात करता है एविक्शन के बारे में। अगर कोई भी पर्सन स्टेट गवर्नमेंट का लैंड अनऑथराइजली ऑक्यूपाई कर रहा है या फिर रॉन्गफुली पजेस कर रहा है या फिर वो लैंड उसने लीज पे लिया है या फिर टेनेंसी पे लिया था और वो लीज या टेनेंसी एक्सपायर हुआ है, ख़त्म हुआ है या फिर टर्मिनेट हो गया है या फिर कोई भी कंडीशन उसने फॉलो नहीं की है या फिर उसने ब्रीच किया है, इसका मतलब ब्रीच किया है, तभी कलेक्टर के पास पावर होता है कि वो बंदे को उस लैंड से एविक करें मतलब बेदखल करें। और समरी एविक्शन प्रोसेस फॉलो करते वक्त कलेक्टर ने हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करें। तो ये हम देखेंगे सेक्शन 53 सबसेक्शन 1A में। सबसेक्शन 1A बात करते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड। कलेक्टर जब भी बंदे को एविक करता है उसके पहले सामने वाले बंदे को एक अवसर देना चाहिए अपना बात रखने का, और चाहिए तो कलेक्टर उसके ऊपर इंक्वायरी कर सकता है। और जब भी कलेक्टर जो भी लैंड जिसने इंक्रोच किया है वो उस बंदे को निकालने से पहले, एविक करने से पहले वो रीज़न रिकॉर्ड करना चाहिए। अब देखते हैं सेक्शन 53 का सबसेक्शन 2, ये बात करता है नोटिस। कलेक्टर ने एक रिटन नोटिस देना चाहिए जो बंदे को, जिस बंदे ने लैंड इंक्रोच किया है, स्टेट गवर्नमेंट का लैंड इंक्रोच किया है, तो वो नोटिस उसमें एक टाइम देना चाहिए, उस टाइम के अंदर वो बंदे ने वैकेंट करना चाहिए वो लैंड। अगर वो बंदा वैकेंट नहीं करता है लैंड तब कलेक्टर उसको वहाँ से एविक कर सकता है, रिमूव कर सकता है। सेक्शन 53 सबसेक्शन 3 बात करता है पेनल्टी के ऊपर। जो भी बंदा रॉन्गफुली, हम लोग ने देखा सबसेक्शन 1 में, 53 सबसेक्शन 1 में देखा है जो भी बंदा अनऑथराइजली ऑक्यूपाई करता है या रॉन्गफुली पजेस करता है लैंड, तो उसको उस बंदे ऊपर पेनल्टी चार्ज होगा। पेनल्टी कलेक्टर डिसाइड करेगा। मैक्स टू मैक्स पेनल्टी लैंड का जो रेंट है वो 2 times होगा पेनल्टी, या फिर जो भी कलेक्टर डिसाइड करता है वो होगा। तो ये थे सेक्शन 53। सेक्शन 54 बात करता है फॉरफीचर एंड रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी लेफ्ट ओवर आफ्टर समरी एविक्शन। ये सेक्शन बात करता है, सबसेक्शन 1 बात करता है कि कलेक्टर एक रिटर्न नोटिस देगा
बंदे को जिसका समरी एविक्शन हुआ है। इस नोटिस में लिखा गया होगा कि वो लैंड जो एंक्रोच किया है उस लैंड पे जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे कि बिल्डिंग हो सकता है या फिर कोई भी फसल उगाई हो सकती है या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन किया होगा, वो रिमूव करने को। अगर नोटिस देने के बाद भी वो बंदा उस प्रॉपर्टी को रिमूव नहीं करता है तो कलेक्टर उस प्रॉपर्टी को फोफिट कर सकता है, जब्त कर सकता है या फिर उस प्रॉपर्टी को वहाँ से निकाल सकता है। तो ये था सेक्शन 54 सबसेक्शन 1। अब देखेंगे सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 क्या बात करता है। अब देखते हैं सेक्शन 54 सबसेक्शन 2। ये सेक्शन बात करता है कि कलेक्टर डिसाइड करेगा कौन से प्रॉपर्टी को फोफिट करना है या कौन से प्रॉपर्टी को रिमूव करना है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी को फोफिट किया है तो उसका डिस्पोजल भी कलेक्टर के डायरेक्शन के अंडर होगा, और जिस प्रॉपर्टी को रिमूव किया है उस रिमूव का जो भी एक्सपेंसेस खर्चा लगता है वो भी खर्चा वो जिस पर्सन ने एंक्रोच किया था लैंड उसी से रिकवर करेंगे एज अ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो ये थे सेक्शन 50 से लेके सेक्शन 54 तक। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, एंड अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल न्यायाधीश।